इज सो पोलाइट. हमारे टीचर तो खुखार थे. डांट डपट पिटाई घर से लड़के आए और खुजली हम पर उतारते थे. वक्त बदलता गया पर जो कंसेप्ट उन्होंने हमें डाल दिए हम वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और ये आपको पास ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं. गुरुमंत, डोंट डिजायर वॉट यू डोंट डिजर्व. यू विल नेवर बी एंट्रैप्ड बाय लोन. जरूरत पड़े तो टैक्स चुकाओ पर टैक्स की रिबेट पाने के लिए लोन मत लो. लिव एज इफ दिस इज माई लास्ट डे एंड इफ आई डिपार्ट आई विल नॉट लीव लाइबिलिटी टू माई डिपेंडेंट्स. आई विल लीव इफ एट ऑल सम एसेट्स और मे नॉट बी नथिंग पर लाइबिलिटी छोड़ के नहीं जाएंगे. मैं ऐसे कितने मैटर्स हैंडल कर रहा हूं जहां वाइफ और बच्चे बेचारे इसलिए परेशान है कि वो प्रॉपर्टी अटैच हो गई जो उनके फादर ने बनाई थी. बैंक्स ने अटैच कर ली या जिस पर्सनल फाइनेंस लिया है तो उसने अटैच कर ली. ऑप्शन हो गई, सेल हो गई एंड दे आर कनेक्टेड टू दैट प्रॉपर्टी सो दे आर काइंड ऑफ डिस्टर्ब्ड. कई बार इमोशनल कनेक्ट होता है. मेरे पापा की प्रॉपर्टी है आज बिक रही है बट दे डोंट नो दैट इट वाज नेवर योर पापाज प्रॉपर्टी. इट वाज ऑन लोन. And because a liability was created and these people are not that competent to meet out that liability, hence all is wrong. So don't bring your future, pull your future to the present just because I want to live today with all glory and keep toiling hard to pay this debt. So ye daam dupat aur pitra ren ka bhi concept maine aapko bataya aur ant mein जो हिंदू प्रिंसिपल प्री कोडिफाइड लॉ में जो आज और डिस्ट्रॉय हो रहा है वो जॉइंट फैमिली भी मैंने आपको बताया. लेकिन जॉइंट फैमिली में कोपासनरी का जो कंसेप्ट था वो एक लॉजिकली जहां तक ठीक था उसमें एक डिफेक्ट था. वो था विमेन प्रॉपर्टी. Women had very limited right. जिसको आप pre-codified law में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा स्त्री धन. स्त्री धन मतलब जो women ने acquire किया है अलग अलग means से. कुछ father mother से acquire किया है, gift मिला है या उन्होंने दिया है या वो छोड़ के गए हैं. कुछ हस्बैंड से मिला है, कुछ अदर सोर्सेस से मिला है लाइक ब्रदर से मिला है या शादी में गिफ्ट मिला है. तो ये दो तरह के कंसेप्ट प्री कोडिफाइड स्क्रिप्चर्स में थे, स्त्री धन और विमेन्स एस्टेट. एस्टेट मीन्स उसकी प्रॉपर्टी. अब वो सब डाइल्यूट हो गया और अब कोडिफाइड लॉ में 1937 विमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू विमेन राइट ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1937 में पहली बार हिंदू स्त्री की स्त्री धन और उसके एस्टेट को रिकॉग्नाइज करते हुए जो एक लिमिटेड ओनरशिप थी उसकी प्रॉपर्टी की उसको एब्सोल्यूट ओनरशिप में कन्वर्ट किया गया. और अभी 1956 एक्ट के बाद नाउ सेक्शन 1415 के तहत शी ओनली कैन डिसाइड अबाउट हर प्रॉपर्टी. नाउ शी इज द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ हर ओन प्रॉपर्टी एंड इफ शी डाइज इंटेस्टेट, इंटेस्टेट मींस बिना विल बनाए, एंड इफ शी इज इश्यूलेस, शी डज नॉट हैव चिल्ड्रन, तो प्रॉपर्टी का डेवोल्यूशन कैसे होगा वो अब कोडिफाइड लॉ में आ गया है जो कि पहले नहीं था. पहले शी वॉज ओनली हैविंग अ लिमिटेड राइट ऑन हर प्रॉपर्टी. आफ्टर हर डेथ द प्रॉपर्टी यूज टू डिवॉल्व इन टू द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी. नाउ शी कैन डिसाइड. तो कुछ कुछ कोडिफाइड लॉ में इंप्रूवमेंट्स भी हुए हैं.
कुछ एरियाज में हमने मोर लॉजिकल स्टेप्स उठाए हैं, विमेन को ज्यादा अधिकार दिए हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से हैंडल कर सके, उसको अपने हिसाब से डिस्पोज ऑफ कर सके. सो नाउ स्त्री धन इज हर एब्सोल्यूट राइट. लेकिन उसका डिवोल्यूशन कैसे होगा? जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट में मेल डिसेंडेंट्स के सक्सेशन के 4 कैटेगरीज रखे गए हैं. क्लास 1 एयर्स में 12 कैटेगरीज हैं, क्लास 2 एयर्स में 9 क्लासिफिकेशंस हैं, फिर क्लासिफिकेशन 3 में एग्नेट्स दिए गए हैं. अगर फर्स्ट 2 क्लासिफिकेशन के लीगल एयर्स नहीं है तो एग्नेट्स को जाएगी, फिर कॉग्नेट्स क्लासिफिकेशन 4 में. Similarly, Section 15 gives 5 entries to disposal of women property. First, entry A, usko 5 entries kehte hain. Entry A, entry B, C, entry D, entry E. To entry A mein to son ko milta hai, uski death ke baad, women ki property. But if she is issueless, the property reverts back to the source. Matlab, agar husband se mili hai, तो द प्रॉपर्टी एंट्री बी में हस्बैंड को वापस चली जाएगी. अगर हस्बैंड इज नो मोर तो एंट्री सी में द प्रॉपर्टी विल गो टू द लीगल हेयर्स ऑफ हस्बैंड. बट अगर फादर से मिली है प्रॉपर्टी, या मदर से, या पेरेंटल साइड से मिली है और इश्यूलेस डेथ होती है, तो द प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू द पेरेंटल साइड, बैक टू फादर और मदर. जो सोर्स है वहीं पर वापस. पर अगर पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है तो द लीगल हेयर्स ऑफ पेरेंट्स एंट्री ई. ये 5 तरह से प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है. और ये मिताक्षर और दायभाग को कंबाइंड करके अब हिंदू सक्सेशन एक्ट ने कॉमन कर दिया है. सेक्शन 8 ऑनवर्ड्स देयर इज अ मेल डिसेंडेंट्स क्लासिफाइड. और जो नया लॉ है उसमें डिवोल्यूशन पर कैपिटा होता है क्लासिफिकेशन 1 के टेबल पर. और दूसरा कंसेप्ट है पर स्ट्राइप, मतलब रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में जो सक्सेशन होता है. इन अ सेंस कि किसी व्यक्ति के 4 बच्चे हैं, 3 जिंदा हैं, 1 की डेथ हो गई, उस जिसकी डेथ हुई उसके 2 बच्चे हैं, तो प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन कैसे होगा? कितने हिस्से बनेंगे? चार बनेंगे. 4 बच्चे हैं तो 4, जबकि 1 की डेथ हो चुकी है और जिसकी डेथ हुई उसके 2 बच्चे हैं, तो कितने लोग हो गए प्रॉपर्टी लाने के लिए? 5. पर हिस्से फिर भी 4 ही होंगे, क्योंकि जो फर्स्ट डिसेंडेंट्स हैं दे आर गेटिंग द प्रॉपर्टी पर कैपिटा. इक्वल हिस्सा जिसको मिलता है वो कहते हैं पर कैपिटा. और उसके नेक्स्ट जनरेशन में जो पर कैपिटा डिवाइड होता है, that is called per stripes. So 25%, 25%, 25%, 25%, and below 12.5, 12.5. 12.5, 12.5 is per stripes, and 25% is per capita. Is that clear? So this is the succession theories which has been brought, or ye principles of Hindu law, non-codified, pre-codified, jaisa sir ne mujhse kaha. ये हमने आज बात की, किसी दिन मौका मिलेगा तो कोडिफाइड हिंदू लॉ पर भी बात करेंगे. एंड रिमेंबर बिफोर वी क्लोज दिस, अनदर श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू रिमेंबर ऑल योर लाइफ एंड विच विल हेल्प यू वेर द कोडिफाइड लॉ हैज कम और प्री एंशिएंट प्रिंसिपल्स आर फॉरगॉटन. बट डोंट फॉरगेट वन थिंग. सुशारथिश्वानिव यन मनुष्य नीयते भीष इर्वाजिन इवा हत प्रतिष्ठम यज्जरम चविष्ठम तन्मयि मनः शिव संकल्पमस्तु. ये प्राचीनतम वैदिक श्लोक मैंने जो आपको बताया है, इसका मतलब है आज हम जो कर रहे हैं वो सब कुछ अपने मन से कर रहे हैं. मेरा मन किया तो मैंने ऐसा कर दिया, मैंने मन किया तो वैसा कर दिया. पर यह श्लोक आपको वॉर्न कर रहा है कि सब कुछ मन से नहीं करो.
मन उस घोड़े की तरह है जिसके अंदर तो इतनी चंचलता है कि अगर उस पर लगाम न कसी जाए तो वो कहीं भी कूदेगा। आपको पता है घोड़ा सोता नहीं है, बैठ के कभी लेट के, वो सोएगा नहीं तो खड़े रहता है। एकमात्र ऐसा प्राणी है जो लेटता नहीं है जीवन में, जिस दिन लेट गया मतलब लाइफ स्पैन इज ओवर, इतनी चंचलता है उसके अंदर। वो घोड़ा आपको कहीं नहीं पहुंचा सकता अगर आपने उस पर लगाम नहीं लगाई है, और लगाम लगाई तो वो आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। तो ये श्लोक कहता है वो मन आपका घोड़े की तरह है और बुद्धि आपकी लगाम है। अपने मन पर अपनी बुद्धि की लगाम लगाओ, और जब अपनी बुद्धि की लगाम लगाकर अपने मन को एक डायरेक्शन दोगे तो वो मन तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा, गंतव्य तक पहुंचाएगा, ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाएगा। वरना मन भटकता रहेगा और तुम्हें भी भटकाता रहेगा। शिव संकल्प मस्तु मीन्स संकल्प लेकर मन को एकाग्र करो, चाहे जिस विषय पर करो पर एकाग्र करो तो कहीं पहुंचोगे। एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड सुशारथि श्वानिव, मतलब जैसे एक कुशल सारथी, सुशारथी अश्वानिव घोड़ों को, सुशारथि श्वानिव यन मनुष्य नियते, वैसे ही मन को कंट्रोल में लाओ। सुशारथि श्वानिव यन मनुष्य नियते भीषु इर्वाजिन इव हत प्रतिष्ठम यज्जिरम जविष्ठम तन्मय मना शिव संकल्प मस्तु। मेरी उम्मीद है कि आप इन गुरु मंत्रों को अपने जीवन में उतारेंगे और ना तो कभी कर्ज की दलदल में घुसेंगे और ना कभी मन को सुनकर कोई अनैतिक इमोरल एक्टिविटी करेंगे। किसी अनैतिकता में मत फंसिए। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो जन्म आपको मिला है, और बहुत सौभाग्यशाली इतने बढ़िया इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, इतने अच्छे ट्रेनर्स हैं जो इतनी अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं, इतनी अच्छी फैमिली में आप पैदा हुए हैं जिन पेरेंट्स ने आपको यहाँ भेजा है। मेंटेन दिस एंड डिपार्ट विद ग्लोरी, बिकम एन एसेट टू द नेशन कॉल्ड भारत। जय हिंद।